हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर में पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने कैसे स्टेट पार्टी को रिकॉग्नाइज किया जाता है और कैसे नेशनल पार्टी को रिकॉग्नाइज किया जाता है, इस बारे में हमने बात की थी और वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। Moreover, ये लेक्चर बहुत सिंपल होने वाला है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें बस एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आप लोगों को, और जो कि मुझे लगता है कि आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी और जो नहीं होगी वो हम लोग कवर कर ही लेंगे, ठीक है। सो व्हाट आर द रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज? रीजनल, द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रीजनल पार्टीज इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। हमारे यहाँ बहुत सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज मतलब जैसे एक स्टेट में अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, JDU, BSP, समाजवादी पार्टी, ये सब क्या है? ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, ठीक है। ये तमिलनाडु में चले जाए तो AIADMK, DMK, ये सारी क्या है? ये सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है। इनका इतना ज्यादा नेशनल बेस नहीं है, लेकिन इनको अपने रीजन में, अपने स्टेट में इनका एक बहुत बड़ा इलेक्टोरल बेस है, क्लियर है। ये है रीजनल पार्टी की डेफिनेशन, ये है रीजनल पार्टी का मतलब। द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रीजनल पार्टी इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। अगर आपको ध्यान हो तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो मल्टी पार्टी सिस्टम पे बेस्ड है ना, मल्टी पार्टी सिस्टम पे बेस्ड है, ठीक है। हमने जब ये सारी चीजें पढ़ी थी कि वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, तब हमने देखा था कि इंडिया, फ्रांस, इटली, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। सो इंडिया में बहुत सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं। दे हैव कम टू प्ले अ वाइटर रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स एट ऑल लेवल, लोकल, स्टेट एंड नेशनल लेवल। अब ये जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, इनका रोल सिर्फ एक रीजन में नहीं होता है। आपको इसी चीज को समझना है कि जो ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनका रोल स्टेट लेवल पे है, नेशनल लेवल पे भी है। ऐसा नहीं है कि उनका अपने एरिया में या अपने स्टेट में ही है, उनका रोल एक नेशनल लेवल पे भी है। वो हम देखेंगे कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल लेवल पे कैसे इंपैक्ट कर रही है, कैसे पॉलिसी फॉर्मुलेशंस में इंटरफेयर कर रही है। दिस इज मोर सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ न्यू एरा ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स। अगर हम नया एरा देखें कोएलिशन पॉलिटिक्स का, उसमें ये देखने को मिलता है। लेकिन 2014 के बाद में अभी कोएलिशन पॉलिटिक्स वाली चीज है नहीं। अभी क्या सिस्टम है? अभी मेजोरिटेरियनिज्म, ठीक है, मेजोरिटेरियनिज्म वाला कॉन्सेप्ट है। अभी पूर्ण बहुमत वाली सरकार है, तो अभी मेजोरिटेरियनिज्म वाली चीज है, ठीक है। लेकिन 2014 से पहले देखें तो कोएलिशन पॉलिटिक्स का चलता है, ठीक। लेकिन अगर आप स्टेट लेवल पे देखेंगे तो स्टेट लेवल पे आज भी बहुत सारी जगह कोएलिशन पॉलिटिक्स है, ठीक है। हम बहुत सारे स्टेट्स में देखते हैं कि कोएलिशन पॉलिटिक्स चल रही है, दो तीन पॉलिटिकल पार्टी साथ में आई हैं और उन्होंने मिलकर सरकार चलाई है। ये हमने देखा था 2000 के आसपास, ठीक है, 2004, इन सब एरा में हमने कोएलिशन पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल देखा था। नाउ फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ रीजनल पार्टीज। रीजनल पार्टीज के फीचर क्या हैं, एक बार उन्हें देख लेते हैं। इट जनरली ऑपरेट विद इन अ पर्टिकुलर स्टेट और स्पेसिफिक रीजन। इट्स इलेक्टोरल बेस इज लिमिटेड टू अ सिंगल रीजन। उनका इलेक्टोरल बेस एक सिंगल रीजन पे बेस्ड है। अब जैसे समाजवादी पार्टी है, ठीक है, यूपी की है समाजवादी पार्टी। अब वो अगर तमिलनाडु में चले जाए तो क्या उन्हें वोट्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, ठीक है। या समाजवादी पार्टी मान लो मध्य प्रदेश में आ जाए, अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तो बॉर्डर टच हो रही है ना, अगर वो मध्य प्रदेश में भी आ जाए तो क्या उन्हें उत्तर प्रदेश में जितनी उनकी, जितना उनका इलेक्टोरल बेस है, सेम मध्य प्रदेश में हो पाएगा? नहीं। खूब से खूब वो लोग 2 से 3 सीट जीत पाएंगे, इससे ज्यादा सीट्स नहीं जीत पाएंगे, और चांसेस ये है कि एक भी नहीं जीते, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम 2 से 3 सीट जीत पाएंगे, क्योंकि उनका एक अपने एरिया में एक इलेक्टोरल बेस है। और वही अगर वो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कंडक्ट करें तो उत्तर प्रदेश में उनका एक बहुत बड़ा इलेक्टोरल बेस है, वहां पर वो बहुत सारी सीट्स जीतेंगे। तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी अपने एरिया में रहता है, उनका इलेक्टोरल बेस, दे आर लिमिटेड टू अ सिंगल रीजन, ठीक है। इट आर्टिकुलेट रीजनल इंटरेस्ट, आइडेंटिटी इटसेल्फ विद अ पर्टिकुलर कल्चर, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक ग्रुप, ठीक है। एक पर्टिकुलर रीजन के, एक पर्टिकुलर लोगों के इंटरेस्ट, पर्टिकुलर लोगों की आइडेंटिटी को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, और अपने आप को उसे एसोसिएट करती है, ठीक है, विद अ ड्यू रिस्पेक्ट। अब जैसे
समाजवादी पार्टी है तो वो किसको फेवर करती है, किसको आगे करती है, यादव को करती है ना। जैसे बहुजन समाज पार्टी है तो एससी कम्युनिटी को फेवर करती है, ठीक। तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से, कोई भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हो वो अपनी आइडेंटिटी को उस तरीके से आगे लेके आती है और अपने लोगों को साथ में कंबाइन करके एक साथ में, और फिर वो चुनाव लड़ने जाती है। क्लियर है आपको? ये एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ गया, मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाने की कोशिश की। इट इज प्राइमरली कंसर्न विद द एक्सप्लॉइटिंग द लोकल रिसोर्सेज ऑफ डिसकंटेंट और प्रिजर्विंग अ वैरायटी ऑफ प्रीमॉर्टियल डिमांड्स बेस्ड ऑन लैंग्वेज, कास्ट, कम्युनिटी और रीजन्स। इनकी कुछ अपनी अपनी डिमांड्स होती है बेस्ड ऑन लैंग्वेज, कास्ट, कम्युनिटी और रीजन, जो अपने एरिया की रहती है, ठीक। इट फोकसेज ऑन लोकल एंड रीजनल इशूज एंड कैप्चर पॉलिटिकल पावर एट स्टेट लेवल, कैप्चर पॉलिटिकल पावर एट स्टेट लेवल। इट हैज नो इंक्लिनेशन टू एक्सपांड एंड कंट्रोल एट द सेंट्रल लेवल। वो कोशिश तो करते हैं, ऐसी बात नहीं है, जैसे समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज वाली पार्टी है। अब मैं इन्हीं पॉलिटिकल पार्टी के एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी का एग्जांपल ले लिया था। तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी का एग्जांपल लेंगे तो आपके मन में भी चीज़ें क्लियर होगी। मैं बार बार पॉलिटिकल पार्टीज चेंज करूंगा तो आपको भी चीज़ें इतनी अच्छे से समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। ये जो मतलब पॉलिटिकल पार्टीज है ये स्टेट लेवल पे रूल करना चाहती है। जैसे हमने देखा कि बहुत समय तक बहुजन समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश पे रूल किया, ठीक है, वहां पर उनकी सरकार थी, ठीक, मायावती की सरकार थी। देन समाजवादी पार्टी ने भी बहुत टाइम तक रूल किया, तो इन दोनों जो लीडर्स थे, ठीक है, ये जो दोनों लीडर थे इन्होंने बहुत टाइम तक वहां पे रूल किया, लेकिन इनका कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन होता है। बीएसपी और एसपी समाजवादी पार्टी का, दोनों का इंक्लिनेशन तो होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी वो अपनी सरकार बनाए, लेकिन उनका इलेक्टोरल बेस नहीं है तो इतनी ज़्यादा वो कोशिश भी नहीं करते हैं। वो सरकार बनाते भी हैं तो कोएलिशन की मदद से बनाते हैं, गठबंधन की मदद से बनाते हैं, तो हम उसे भी देखेंगे अभी, ठीक है। इट हैज़ पॉलिटिकल डिजायर फॉर ग्रेटर रीजनल ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट इन इंडियन यूनियन। इट हैज़ पॉलिटिकल डिजायर फॉर ग्रेटर रीजनल ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट इन इंडियन यूनियन, ठीक है। उनकी वो स्टेट से मतलब इट हैज़ पॉलिटिकल डिजायर फॉर रीजनल ऑटोनॉमी, वो हमेशा सेंटर से रीजनल ऑटोनॉमी की बात करते हैं, अपने रीजनल जो ग्रीवियंसेज रहते हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट ऑटोनॉमी की मांग करते हैं। The various regional parties in India can be classified into following. अब regional parties जितनी भी हैं उनको हम अलग अलग category में classify कर सकते हैं, ठीक है। एक नज़र मारते हैं कि किस किस basis पे इनको classify किया जाता है। Those regional parties which are based on regional culture or ethnicity, वो कोई regional culture और ethnicity पे based कुछ parties होती है। उनके एग्जाम्पल कौन से हैं, जैसे शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल, AIADMK, DMK, ये ठीक है, ये कुछ रीजनल कल्चरल और एथनीसिटीज पे बेस्ड ये अपनी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, ठीक है, इनके बेसिस पे अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं। दोज रीजनल पार्टीज विच हैव ऑल इंडिया आउटलुक बट लैक अ नेशनल इलेक्टोरल बेस। अब इनका एक ऑल इंडिया आउटलुक है, कुछ रीजनल पार्टीज ऐसी होती है जिनका एक ऑल इंडिया आउटलुक होता है कि हमें इस तरीके से रूल करना है, ऐसे करना है, लेकिन उनके पास इतना नेशनल इलेक्टोरल बेस नहीं होता। उनके एग्जाम्पल क्या है, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एंड सो ऑन, NCP, ठीक है। इनका एक ऑल इंडिया आउटलुक होता है बट वो रूल नहीं कर पाते हैं। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड राइज ऑफ रीजनल पार्टीज, इनके क्या क्या फैक्टर्स है रीजनल पार्टी के राइज के पीछे। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, अब जब स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया था, जब इंडिया में सारे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया था ना, तो लैंग्वेज के बेसिस पे जब रीऑर्गेनाइज किया गया था तो ये इसका एक रीजन था रीजनल पार्टीज का बर्थ होने का, ठीक है। वो लैंग्वेज के बेसिस पे कुछ रीजनल पार्टी अपने एरिया के बेसिस पे, अपने रीजन के बेसिस को इन्फ्लुएंस करना कि तुम्हारा भला हम चाहेंगे, एक वो कारण था। सेकेंड, करिज्मेटिक पर्सनालिटी ऑफ रीजनल लीडर्स, अब कुछ पर्सनालिटीज है ना, कुछ रीजनल लीडर्स की पर्सनालिटी ही ऐसी होती है, करिज्मेटिक पर्सनालिटी होती है, वो उनके रीजन में लोग चाह जाते हैं, मतलब वो अपने रीजन में एकदम चाह जाते हैं, ठीक। देन फैक्शनल फाइट्स विथ लार्जर पॉलिटिकल पार्टीज, अब कुछ बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ फाइट हो जाती है, फिर वो बड़ी वाली पॉलिटिकल पार्टीज डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ठीक है। हमने देखते हैं ना, कभी कोई एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होती है, आजकल तो क्या होता है कि सिर्फ MP MLA शिफ्ट करते हैं इस पॉलिटिकल पार्टी से उस पॉलिटिकल पार्टी में, लेकिन कई बार कुछ MPs और MLA सब डिसइंटीग्रेट होके एक अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी बना लेते थे,
ठीक है, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज ऑफ कांग्रेस पार्टी। अब यहाँ पे कांग्रेस पार्टी इसलिए लिखा गया है क्योंकि पहले की बात की गई है, क्योंकि कांग्रेस में पहले वन पार्टी सिस्टम था और कांग्रेस ने बहुत लंबे टाइम तक रूल किया इंडिया पे। सो कांग्रेस की जो टेंडेंसी थी वो सेंट्रलाइज टेंडेंसी थी, तो रीजनल जो रीजनल एस्पिरेशंस थी लोगों की वो पूरी नहीं हो पा रही थी, और जहां कहीं भी थोड़ी बहुत भी स्पेस मिलती है वहां कोई ना कोई आ ही जाता है उस स्पेस को भरने, तो वो स्पेस का काम रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ने किया है। एब्सेंस ऑफ स्ट्रांग अपोजिशन पार्टी है सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल पे अपोजिशन एकदम इतना स्ट्रांग नहीं था, इतने ज़्यादा फ्रेगमेंटेड में वोट्स मिलते थे, ठीक है, तो उसकी वजह से भी रीजनल पार्टीज आई क्योंकि उन्हें अपनी स्टेट की डिमांड्स भी तो वहाँ पे पहुँचानी थी, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में। रोल ऑफ कास्ट एंड रीजनल इन पॉलिटिकल प्रोसेस, इसको आपको समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक चीज़ ऐसी है इंडिया में जिसको समझाने की ज़रूरत नहीं होती है कि कास्ट क्या है और रिलीजन क्या है। जब हम सोशल इश्यूज भी पढ़ेंगे तब मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं लगी कि आपको कास्ट और रिलीजन को समझाने में, क्योंकि आप ये ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं। एलिनिएशन एंड डिसकंटेनमेंट अमॉन्ग ट्राइबल ग्रुप्स। अब कुछ ट्राइबल ग्रुप्स जो थे वो सरकार से नाखुश थे, तो इन लोगों ने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बना ली है और ये अपने हिसाब से रूल करना चाहते हैं, और इनका इलेक्टोरल बेस भी है क्योंकि जो केंद्र की सरकार होती है वो एक पैन इंडिया लेवल पे देखती है और उसकी वाकई में सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी होती है, तो जो छोटी छोटी जो डिमांड होती ना वो उनको पता नहीं चलता है क्योंकि वो यहाँ टॉप से रूल कर रही होती है और यहाँ पे जो डिमांड है वो उनको कई बार पता नहीं चलता है। The following points highlight the role played by regional politics in Indian politics. ठीक है, अब regional political parties ने क्या रोल प्ले किया है इंडियन पॉलिटिक्स में, एक नज़र उस पर देख लेते हैं। दे हैव प्रोवाइडेड बेटर गवर्नेंस एंड स्टेबल गवर्नमेंट एट रीजनल लेवल। रीजनल लेवल पर उन्होंने एक बेटर गवर्नेंस प्रोवाइड की है, ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं जैसे केंद्र में कोई पार्टी हो, सेंटर पे कोई पार्टी हो और स्टेट में भी वही पॉलिटिकल पार्टीज हो, ठीक, तो उनको इतना ज़्यादा वो लोड नहीं लेते, हाँ काम हो रहा है, चल रहा है, लेकिन जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी होती है ना इनको थोड़ा सा डर भी रहता है, ऐसा नहीं हो हम चुनाव हार जाएं, तो ये कुछ काम भी करते हैं और एक अल्टरनेटिव देते हैं, जो जनता होती है उनको एक अल्टरनेटिव देते हैं। क्या डेमोक्रेसी सिर्फ ये है कि हमने सरकार चुन ली और सरकार आ गई और वो हमारे ऊपर रूल कर रही है? मेरा ये मानना है डेमोक्रेसी पे अपोजिशन होना, डेमोक्रेसी में एक अल्टरनेटिव होना हमेशा ज़रूरी है। कभी भी एक सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, कभी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास में इतनी पावर नहीं आनी चाहिए, उसका अल्टरनेटिव ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर ले, लेकिन एक अल्टरनेटिव हमेशा होना चाहिए। जब जब अल्टरनेटिव नहीं होगा तब तक गवर्नेंस अच्छे से नहीं हो पाएगा, तब तक एक सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी आती रहेगी। क्लियर है? दे हैव पोस्ड अ चैलेंज टू वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम इन द कंट्री एंड लेड टू द डिक्लाइन इन डोमिनेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी। जो कांग्रेस पार्टी का जो डिक्लाइन हुआ था, जो मैंने आपको बताया था, उसका रीजन एक रीजनल पार्टी था, द बर्थ ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। तो इन्होंने चैलेंज पोस्ट किया एक तरीके से डोमिनेंट पार्टी सिस्टम, दैट इज वन पार्टी सिस्टम को, कांग्रेस पार्टी को एक चैलेंज पेश किया। इवन इन अगर हम प्रेजेंट टाइम देखें तो जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है वो प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए भी चैलेंज पेश कर रही है, वो एक प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए भी चैलेंज दे रही है, ठीक है, तो ये कुछ हद तक सही भी है। कोई सरकार को चैलेंज देने वाला होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ओवरराइटिंग पावर हो जाएगी, ओवररीचिंग पावर हो जाएगी। दे हैव मेड अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन नेचर एंड कोर्स ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन। द टेंशन एरियाज इन सेंट्रल स्टेट रिलेशन एंड द डिमांड फॉर ग्रांट ऑफ ग्रेटर ऑटोनॉमी मेड सेंट्रल गवर्नमेंट मोर रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ रीजनल एक्टर्स। इनके कारण सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में काफ़ी चीज़ें ठीक हुई है। मतलब अगर हम देखें, मान लो आपके स्टेट पे भी बीजेपी हो और सेंटर में भी बीजेपी हो, तो जब रुपए जो एलोकेट करने की बारी आती है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट रुपीस एलोकेट करता है हर स्टेट को अपनी स्कीम्स वगैरह के लिए, तो अगर केंद्र सरकार ने बोल दिया कि हम आपको 1,000 करोड़ देंगे, कि एग्जांपल लेते हैं, वी विल गिव यू 100 करोड़ रुपीज़, 100 करोड़ ये ले लेते हैं, हम आपको 100 करोड़ रुपये देंगे, ठीक, एक छोटा ही अमाउंट ले रहे हैं हम लोग समझने के लिए, तो वो जो नीचे जो राज्य में जो बीजेपी होगी ना, यहाँ पे भी बीजेपी एट द लेवल ऑफ सेंटर, सेंटर में बीजेपी, स्टेट में बीजेपी, और अब जब फंड्स एलोकेट करने की बात आई स्कीम्स वगैरह के लिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को कितना फंड देगी, तो इसमें बात निकला, इन्होंने बोला कि हम 100 करोड़ देंगे, ठीक है, हम 100 करोड़ देंगे। अब स्टेट गवर्नमेंट को पता है,
अब यहाँ पे जो केंद्र की यहाँ पे जो राज्य सरकार है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को पता है कि हमारा 100 करोड़ में कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ऊपर भी बीजेपी है, यहाँ पे भी बीजेपी है, चलो चुपचाप ठीक है, डिसेंट नहीं करेंगे, क्या पता ऊपर वाली पॉलिटिक, ऊपर जो हमारे हेड है उनको नाराज करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों का, ये चीज़ें अब जब रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज आती है तो ये सारी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि वो तुरंत अपोज कर देती है, वो तुरंत मीडिया में बोल देते हैं कि हमें इतने रुपए दे दिए गए हैं, हम ये काम कैसे चलेगा। ठीक है, जैसे अगर हम कोविड की वैक्सीन्स का देखें तो क्या हो रहा था, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थी वो आके बता रही थी कि हमारे पास इतनी वैक्सीन्स हैं, हमारे पास इतनी वैक्सीन्स नहीं है, और जहां सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक थी वहां वो कभी भी प्रेस में आके नहीं बोल रहे थे कि हमारे पास वैक्सीन का शॉर्टेज है। एक एग्जाम्पल है, तो ऐसे रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एक सेंटर के लिए एक चैलेंज है, और यहाँ पे रीजनल ऑटोनॉमी, यहाँ पे फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रीजनल ऑटोनॉमी पे भी ज़्यादा ध्यान देती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये होता है कि मुझे अच्छा परफॉर्म करना है ताकि उस स्टेट में अगली बार मेरी सरकार बने। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है ना, वो उस राज्य में ज़्यादा अच्छा काम करने की कोशिश करती है, अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा फंड देने की कोशिश करती है। हालांकि ये आपको भी पता है वो काम सिर्फ चुनाव के एक साल पहले ही होता है, बाकी 4 साल तो कुछ नहीं होता है। They have made politics more competitive, popular participation in political process more extensive at grassroots level. इनकी वजह से politics एक competitive बन गई है, ये तो एकदम बिल्कुल देखने वाली बात है कि politics बहुत ज़्यादा competitive बन गई है, और हम देखते हैं at present era में कि कैसे जो एक ऑल इंडिया पार्टी है वो कैसे रीजनल पार्टी से जब चुनाव लड़ने जाती है स्टेट में तो वो भी कितनी मेहनत करती है ना। सो उन्होंने पॉलिटिक्स को बहुत कॉम्पिटिटिव तो कर दिया है। दे हैव वाइडन द चॉइस ऑफ वोटर्स इन बोथ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली इलेक्शन। द वोटर कैन वोट फॉर द पार्टी दैट एम्स टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ देयर स्टेट एंड रीजन। अब इसको ऐसे समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा। जैसे एट प्रेजेंट सेंटर में है बीजेपी, ठीक है, एट प्रेजेंट सेंटर में है बीजेपी, ठीक, स्टेट में है, हम स्टेट में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ले लेते हैं, हम स्टेट में ले लेते हैं डीएमके, ठीक है, तमिलनाडु की बात करते हैं, स्टेट में है डीएमके, और अब है लोकसभा इलेक्शन, ठीक, लोकसभा इलेक्शन की बारी आई, तो लोकसभा इलेक्शन में अब मान लो जो तमिलनाडु के लोग हैं, हमें पता है कि ऑल इंडिया तमिलनाडु के लोगों को पता है कि डीएमके कभी भी सरकार में फोर फ्रंट में आके नहीं प्ले कर सकती, क्योंकि डीएमके जो है उनका इतना ज़्यादा इलेक्टोरल बेस नहीं है तमिलनाडु के बाहर, ये तमिलनाडु के लोगों को भी पता है, ठीक है। लेकिन अब उनके पास यूजली जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो दो चॉइसेस हम लोगों के पास में रहती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग ऐसा सोचते हैं इधर बीजेपी और कांग्रेस, ठीक है। अब मान लो जो तमिलनाडु के लोग होंगे उन्हें पता है कि, उनको ऐसा लगता है, ठीक है, वो मानते हैं कि नहीं कांग्रेस काम अच्छे से नहीं करती है, हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। अब उन्हें पता है कि बीजेपी भी अच्छा काम नहीं कर रही है, हमें बीजेपी को भी वोट नहीं देना है, तो वो क्या करते हैं, वो यही करते हैं कि लोकसभा में जब इलेक्शन होते हैं तब वो डीएमके को ही वोट अच्छे दे देते हैं, तो डीएमके की ही डीएमके को ही ज़्यादा अच्छे से वोट दे देते हैं, तो डीएमके का लोकसभा में एक अच्छा प्रपोजन हो जाता है। और इस तरीके से ये जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है ये लोकसभा के इलेक्शन में भी इनके लिए कंपटीशन का रोल कर रही है, वो बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ में डीएमके ने इनका कंपटीशन बढ़ा दिया लोकसभा के इलेक्शंस में। आया समझ में? तो वोटर के पास एक तो चॉइसेस बढ़ गई है, मेरे पास चॉइस है, मुझे दोनों पॉलिटिकल पार्टी पसंद नहीं है, दोनों अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो मैंने अपनी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी को ही वोट दे दिया कि ये जब लोकसभा में जाएगी तो ये मेरे स्टेट को वहाँ पर रिप्रेजेंट करेगी। जितने ज़्यादा लोकसभा में डीएमके के नंबर होंगे वो तो तमिलनाडु के इंटरेस्ट में काम करेगी, ऐसा मेरा मानना है, तो मैं अपनी ही रीजनल पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे दूंगा। आया आपको समझ में? ठीक है, सो दे हैव वाइडन द चॉइस फॉर वोटर इन बोथ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली इलेक्शंस। द वोटर कैन वोट फॉर दैट पार्टी दैट एम्स टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ देयर स्टेट एंड रीजन। दे हैव इंक्रीज द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल एंड ऑल्सो देयर इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। They have bring into focus the local and regional issues.
वो रीजनल इश्यूज और लोकल इश्यूज को बहुत सारे को लेके आए हैं एट द स्टेट लेवल, एट द नेशनल लेवल. दे हैव प्रोवाइडेड फॉर चेक अगेंस्ट डिक्टेटोरियल टेंडेंसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. एक तरीके से वो चेक ही है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कि कोई डिक्टेटोरियल टेंडेंसी तो नहीं आ रही है ऊपर से, क्योंकि अगर सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होगी तो डिक्टेटोरियल टेंडेंसी वाली सिचुएशन पैदा हो सकती है. Now, they have made a significant contribution to the successful functioning of the parliamentary democracy. In parliamentary democracy, the minority must have the say, the majority must have its way, and the regional parties have played this role very successfully by ruling some party in state and opposition at the center. ठीक है, डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट मेजॉरिटी. डेमोक्रेसी में हम ये बोलते हैं कि जो मेजॉरिटी, जिसको मेजॉरिटी मिलेगी वो आके रूल करेगा. तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जो मेजॉरिटी वाले हैं वो माइनॉरिटी की आवाज़ दबाएंगे. ठीक है, सो जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो माइनॉरिटीज़ की आवाज़ ऊपर रखने में इन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. क्लियर है. अज्यूम डाउन After the down of coalition era politics, the regional political parties have assumed an important role in national politics. They have joined coalition government formed with the center and state and national parties. ठीक है, उन्होंने coalition में बहुत, coalition जब सरकार आती है तब बहुत सारे, तब उनका बहुत बड़ा role बढ़ जाता है कि वो हमेशा केंद्र और इनके साथ में मिलके, क्योंकि केंद्र सरकार उनसे बोलती है. जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया डीएमके का, मान लो हम उसी एग्जाम्पल को लेते हैं. डीएमके के पास में अच्छी खासी सीट्स आ गए. ठीक है, डीएमके के पास में 15 सीट्स हैं एंड कांग्रेस के पास में यहाँ 15 सीट्स. कांग्रेस अपनी मेजॉरिटी से कितनी, 15 सीट दूर है. तो कांग्रेस क्या बोलेगी डीएमके से, कांग्रेस डीएमके से बोलेगी कि आओ हम साथ में मिलकर सरकार बनाते हैं. अब इसका फ्लॉज भी है, फिर डीएमके बोलेगा कि हमारा मंत्री बनेगा, फिर कांग्रेस बोलेगी आपका मंत्री बन गया, फिर ये कोई स्कीम लेके आएंगे, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी कोई स्कीम लेके आएंगी तो ये, और अगर इनको पसंद नहीं होगी तो ये बोलेंगे कि आप इस स्कीम को विड्रॉ कीजिए, नहीं तो हम हमारा सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे और आपकी सरकार गिर जाएगी. तो ये कोएलिशन पॉलिटिक्स का एक डिसएडवांटेज भी है, और एडवांटेज तो आपने देख ही लिया है कि वो नेशनल लेवल पे भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में कोएलिशन के साथ में आती है और हेल्प करती है. नाउ दे हैव आल्सो इंडल्ज इन करप्शन, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म. यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स है. हाउएवर देयर आर सम नेगेटिव पॉइंट इन द रोल ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है, पहला है कि वो ज्यादा से ज्यादा रीजनल इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं कंपेयर टू नेशनल इंटरेस्ट. दे हैव इनकरेज रीजनलिज्म, कास्टिज्म, लिंग्विज्म एंड कम्युनलिज्म. ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पे कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, ये सारी चीज़ों को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ने. इनकी वजह से बहुत ज़्यादा डिवाइड हो गया है. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जैसे जो इश्यूज होते हैं ना, इंटरेस्ट स्टेट वाटर डिस्प्यूट, या फिर ये बाउंड्री महाराष्ट्र की है, ये बाउंड्री कर्नाटका की है, ये बाउंड्री गलत ड्रॉन हुई है, ये वाले जो डिस्प्यूट्स होते हैं ना, इसमें रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है. ठीक है, दे हैव ऑल्सो इंडल्ज इन करप्शन, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म एंड अदर फॉर्म ऑफ मिस यूटिलाइजेशन ऑफ पावर फॉर द प्रमोट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट. लेकिन करप्शन, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, ये तो जो ऑल इंडिया पार्टी है उसमें भी है. ठीक है, दे हैव फोकस्ड मोर ऑन द पॉपुलर स्कीम. पॉपुलर स्कीम मतलब क्या है, लोक लुभावने वादे जो पूरे हो ही नहीं सकते. ठीक है, कि हम आपको इतने रुपए दे देंगे, आप हमको वोट दे दीजिए, तो ऐसे लोक लुभावने वादे करना ये काम होता है रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का, लेकिन ये तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज भी करती है. दे ब्रिंग इन रीजनल फैक्टर्स इन डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग बाय कोएलिशन गवर्नमेंट इन सेंटर एंड दे फोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट टू यील्ड देयर डिमांड्स. वही वाली बात है जो मैंने आपको बताया कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज में कैसे फिर वो पावर्स के लिए भी, पावर के लिए टसल होता है, जैसे वो डीएमके और जो कांग्रेस का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ना, वो वाली चीज़. आई होप ये आपको क्लियर होगा. एक बात हमेशा रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्रिटिसिज्म में आता है कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से करप्शन हुआ है. क्योंकि ये मैंने आपको भी पहले बताया, जब जब कोएलिशन सरकार आती है तब करप्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट नहीं करती होगी, मेजॉरिटी वाली भी करती होगी, लेकिन कोएलिशन में ज़्यादा चांसेज होते हैं. कोएलिशन में बहुत सारी स्कीम्स वगैरह इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है, तो एक ये कोएलिशन का ड्रॉबैक मैंने आपको पहले भी बताया है. तो ये क्रिटिसिज्म आता है कि जब जब रीजनल पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में आती है, जब जब वो कोएलिशन का पार्ट बनती है,
तब तक अच्छे से डेवलपमेंट फंक्शंस नहीं हो पाता। सो आपको एक बैलेंस बनाना है रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के प्लस पॉइंट, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के माइनस पॉइंट। मोर ओवर एवर बहुत सिंपल टॉपिक था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसमें हमें इतना ज़्यादा लोड लेके समझना हो। बहुत शॉर्ट एंड सिंपल टॉपिक था, आप एक रीड मारेंगे या एक रीड नहीं भी मारेंगे, आप सिर्फ सोच लेंगे तो भी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बस आपको आपके स्टेट में आप ऑब्जर्व करिए, आप जिस स्टेट में वहाँ भी कुछ ना कुछ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज होगी, आप उसे ऑब्जर्व करिए। तो मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।